14 साल का नंदू अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ सिलाई बुनाई करके घर गृहस्थी चलाती थी। नंदू अपने गांव में सबसे बेवकूफ लड़का माना जाता था, बस यही उसकी पहचान बन गई थी। माँ, क्या आज आप कचौरी बना सकती है? कल से बड़ा मन कर रहा है खाने का। हाँ बेटा, कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा होशियार है। पता नहीं, लेकिन पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ मानता है। हमेशा की तरह नंदू अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में गोपाल की चाय की टपरी थी, जिसे नंदू का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। गोपाल अपने आप को बहुत विद्वान और स्मार्ट समझता था, जबकि असल बात यह थी कि वो केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा था। लो आ गए हमारे गांव के चतुर बिरबल। बच के रहना साहब, ये बहुत ही होशियार लड़का है। अच्छा, जरा नमूना तो दिखाओ इसकी अकलमंदी का। गोपाल 50 रुपए की एक नोट अपने दाहिने और 5 रुपए का एक सिक्का अपने बाएं हाथ में लेता है और टपरी पे बैठे लोगों को आंख मारता है। नंदू, इसमें से तुम्हें जो बेहतर और फायदे की चीज लगती है उसे उठाओ। हाँ गोपाल भैया, क्यों नहीं, ये तो बड़ा ही आसान है। रोज रोज यही तो सवाल पूछते हो आप मुझसे। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम कभी तो गलती करोगे, लेकिन तुम तो बड़े होशियार हो बेटा। सब लोग बड़ी उत्सुकता से नंदू का चुनाव देख रहे हैं। नंदू वो 50 रुपए की नोट छोड़कर वो 5 रुपए का सिक्का उठाकर वहां से चला जाता है। ये अब रोज का किस्सा बन गया था। गोपाल स्कूल जा रहे नंदू को बुलाता और उसे कभी 50 और कभी 100 रुपए और 5 रुपए में चुनाव करने कहता और उसकी गलत चुनाव पे टपरी पे उपस्थित लोगों के साथ पेट भर के हंस लेता। और आज भी हमेशा की तरह गोपाल ने स्कूल जाते नंदू को पुकारा, नंदू जरा यहाँ तो आना, आज का सवाल जवाब बाकी है। हाँ भैया, क्यों नहीं, आता हूँ। आज उस टपरी पे एक नए सदगृहस्थ मनोहर भी मौजूद थे। किसी काम से वो गांव से अपने बहन के घर आए हुए है। पधारिए मिस्टर तेज दिमाग। लोगो, अब देखिए हमारे गांव के सबसे होशियार लड़के की अकलमंदी। आज गोपाल ने एक हाथ में 200 रुपए और दूसरे हाथ में 10 रुपए रखे थे और नंदू को उसमें से ज्यादा फायदे वाला विकल्प चुनना था। इस बार नंदू थोड़ा सोच में पड़ गया। 200 की नई नोट उसने पहली बार देखी थी। सब लोग उत्सुकता से नंदू को देख रहे थे। और देखो, ठीक से सोच के चुनाव करो, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा की तरह सही चुनाव ही करूंगा। इस बार भी नंदू ने 200 रुपए की नोट छोड़कर वो 10 रुपए का सिक्का उठाया और वहां से चल पड़ा। देखा आपने, कितना मूर्ख बेवकूफ लड़का है ये। पता नहीं स्कूल में इसका ध्यान कहाँ होता है। बेचारी अकेली माँ इससे क्या उम्मीद लगा बैठी होगी। भगवान भला करे उसका। हाँ और नहीं तो क्या, इतनी छोटी सी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही, आगे जाके बहुत मुश्किल होगी उसे। चिंता का विषय तो है। टपरी पे मौजूद मनोहर चाय पी के अपने किसी काम के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर आने के बाद उन्हें नंदू एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देता है। इस लड़के को 2-4 अकलमंदी की बातें समझाता हूँ, शायद कुछ फायदा हो। सुनो बेटा नंदू। जी चाचा जी, अभी कुछ देर पहले आप गोपाल भैया की टपरी पर थे ना? अरे वाह, तुम्हें याद है। जी चाचा जी, इसमें कौन सी अकलमंदी की बात है, आपका चेहरा नया था इसलिए याद रहा। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो, तो तुमने वहाँ टपरी पर 200 रुपए लेने के बजाय 10 रुपए क्यों उठाए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा चुनाव गलत था, नुकसानदायक था? बिल्कुल नहीं चाचा जी। वो कैसे? नंदू मनोहर को अपने हाथ में पकड़ा आइसक्रीम दिखाता है, लेकिन मनोहर कुछ समझ नहीं पाता। अगर मैंने फायदे वाला चुनाव यानी 200 रुपए उठाए होते तो आज ये मेरे फायदे का खेल खत्म हो जाता। मतलब? उन चाय वाले गोपाल भैया को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और इसीलिए वो रोज मेरे साथ ये खेल खेलते हैं। लेकिन गलत जवाब देके मुझे रोज ये भारी वाली आइसक्रीम खाने को मिलती है, वो भी फ्री। मैं चलता हूँ, स्कूल का टाइम हो रहा है। नंदू का जवाब सुन के मनोहर दंग रह जाते हैं। ओ कमाल है, ये लड़का तो सचमुच में बहुत अकलमंद है। ये तो उस चाय वाले को उल्लू बना रहा है और उसे पता भी नहीं, ये जरूर बहुत आगे बढ़ेगा।
बाय विशाल, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रवि, बाय परेश। रवि चल यार निकलते, मुझे मेरी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। क्यों, आंटी का बर्थडे तो मार्च में होता है ना? अरे कल मदर्स डे है ना। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तो अपनी माँ से नाराज है ना? रवि और परेश की बात उनके स्पोर्ट्स टीचर विक्रम ने सुनी है, वो दोनों के पास आते हैं। क्यों भाई, कौन किससे नाराज है, कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल रवि अपने कजिन के घर शिफ्ट हुआ है ना। ओ, एनीथिंग सीरियस? नो सर, बस ऐसे ही, माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, बेवजह बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। बस तब से आंटी से ना मिलने की कसम खाई है इसने सर, मैं तो समझा समझा के थक गया। परेश की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। बाय द वे रवि, क्या आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं। विक्रम पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और अपने टॉवेल से उसे रवि के पेट पे कस के बांध देते हैं। परेश और रवि आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये पत्थर आपने रवि के पेट पर क्यों बांधा है? कल बताता हूँ। रवि, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन तुम इस पत्थर को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे, याद रहे, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है समझो। विक्रम के जाने के बाद रवि और परेश अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि पूरी रात पत्थर को लिए घर में काम करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। ये कैसी गुरु दक्षिणा मांगी सर ने, बहुत तकलीफ हो रही है, ना ठीक से खाना खा सकता हूँ ना सो पाता हूँ। दूसरे दिन रवि और परेश ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। रवि की हालत देख परेश परेशान हो जाता है, वो रवि को बैठने उठने में मदद करता है। रवि, वो देखो सर आ रहे हैं, बस अब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। होप सो यार, इस 3 किलो के पत्थर ने हालत खराब कर दी है मेरी। हेलो बॉयज, कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक नहीं सर, क्या अब मैं इस पत्थर को निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई है, एक काम करो, इस ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। रवि बड़ी कठिनाई से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही चक्कर आके नीचे गिर जाता है। रवि, पानी पी लो। ठीक हो ना अब? यस सर। सर, ये सब आपने किस लिए किया, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अपनी माँ को समझने में तुमने गलती की है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रवि, तुम एक दिन के लिए ये 3 किलो पत्थर के साथ नहीं जी पाए, तो जरा सोचो, हमारी माए हमें 9 महीने तक अपने पेट में कैसे संभालती है, कितनी परेशानी से गुजरती है। आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए माँ को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परेश। और इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होकर रवि अपनी माँ से मिलने घर लौट जाता है। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे, पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना सोना इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार, क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटाके एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है, मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओ शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओ गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है, ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है, ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं।
ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है, पहला योर फुल नेम और दूसरा सवाल है कार का कौन सा टायर फट गया था। ए आगे का राइट, आगे का लेफ्ट। अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज, अब लेक्चर मत देना, मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा यह लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आमरस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी, फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया लेकिन खाना तैयार नहीं है, सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया।
कहाँ गए ये लोग, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो संजय आ रहा है, अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो, कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी, भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी, ऐसे तो इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा, यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है, वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है। यह आलीशान घर है सक्सेना विला और इसके मालिक है मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मनोहर, कैसा था आपका सफर? हो गुड, बहुत अच्छा था। और तुम बताओ कैसे चल रहा है यहाँ सब कुछ? सब बढ़िया है सर। और तुम्हारी फैमिली, बेटी की शादी सब कैसे थी? आपकी कृपा से सब अच्छा था। गुड गुड। अच्छा मैं यहाँ और 2 दिन हूँ, फिर मैं वापस लंदन चला जाऊँगा। जी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा मनोहर, कार में विदेश से लाई एक कीमती मूर्ति और पेंटिंग है, उसे अंदर लेके आओ। जी सर। मिस्टर सक्सेना यहाँ अपने बंगले में 1-2 दिन आराम से रहते थे और फिर वापस लंदन लौट जाया करते थे। बाय मनोहर, घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी सर। और यहाँ मनोहर इस बंगले का अच्छा फायदा उठाया करता था। तुम लोगों को इस बंगले में पार्टी करनी है तो 1 रात के 10,000 रुपए होंगे। अरे अंकल 10,000 बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए। लास्ट 9,000, उससे कम नहीं। चलो ठीक है। ये मनोहर की ऊपर की कमाई थी। उन लड़कों ने वहाँ रात भर पार्टी की, नाचे, स्विमिंग पूल के मजे लिए और यहाँ मनोहर पैसे गिनकर खुश रहा। और हमेशा की तरह मनोहर ने अगले दिन खुद सारे बंगले की साफ सफाई की। हर महीने मनोहर ये बंगला 3-4 बार भाड़े पे दे ही देता था, वो भी मिस्टर सक्सेना को बिना बताए। एक दिन की बात है, मिस्टर शर्मा नाम के एक गृहस्थ मनोहर के पास आए। वॉचमैन जी, आप ये बंगला भाड़े पे देते हैं? जी हाँ सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये बंगला 3 दिन के लिए भाड़े पे चाहिए, मेरे मेहमानों को रहने के लिए। 1 दिन का कितना भाड़ा है? 3 दिन का सुनकर मनोहर खुश हो गया। वैसे तो 1 दिन के 10,000 है, लेकिन क्योंकि आप 1 साथ 3 दिन रहेंगे तो कुल मिलाकर 25,000। ठीक है, अब इतने आलीशान बंगले का इतना तो देना ही पड़ेगा। ये लीजिए 15,000 एडवांस, और बाकी के जब लोग रहने आएंगे तब दे दूंगा। ठीक है सर। मनोहर की तो चांदी ही हो गई थी। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा वापस लौटे और उन्होंने मनोहर को बचे हुए 10,000 भी दे दिए। मिस्टर शर्मा के साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। वॉचमैन जी, आप मेरे गेस्ट को बंगला दिखा दीजिए। जी सर। मनोहर ने गेस्ट को बंगला दिखाया और उन्हें वहाँ की कीमती चीजों का ध्यान रखने कहा। वो गेस्ट उस बंगले में 3 दिन रहे। उस बंगले में रोज रात कोई ना कोई फंक्शन हुआ करता था। 3 दिन बाद एक एक करके सारे गेस्ट चले गए। मनोहर खुश था क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिल गए थे। हमेशा की तरह मनोहर बंगले की साफ सफाई करने लगा। अरे ये क्या, यहाँ की वो महंगी पेंटिंग कहाँ गई? और वो सोने की मूर्ति, सबका सब गायब। साहब ये सब फॉरेन से लाए थे, अब मैं क्या करूँ? पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो साहब को सब पता चल जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया। मनोहर अपनी ही लालच में फंस गया और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये है पांडू हवालदार। पांडू बहुत ही लालची था। रुको रुको। क्या साहब, आपने सिग्नल तोड़ा, अब फाइन भरो 1,000 रुपए।
1000 रुपए? अरे नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? सर कुछ ले देकर दफा कीजिए ना। ऐसा तो 200 रुपए ढीले करो। ये लो सर। पांडू हवालदार ऊपर की कमाई खाकर बहुत खुश था। वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ता था, लेकिन फाइन लेने के लिए नहीं। क्या साहब, इतनी बड़ी गाड़ी है और सिर्फ 100 रुपए? कम से कम 200 तो दो। उसका एक ही मकसद था कि उसकी ऊपर की कमाई चलती रहे। समय के साथ साथ ऊपर की कमाई के साथ पांडू का पेट भी बढ़ने लगा। अब वो सिग्नल तोड़ने वालों के पीछे भाग नहीं सकता था, पर फिर भी उसे बकरे मिल ही जाते थे। देवा रे देवा, अपनी ऐसी ही कृपा बना कर रख मुझ पर। एक दिन की बात है, एक टमाटे की गाड़ी वाले और एक कार वाले की आपस में टक्कर हो गई। साहब ये आपकी गलती है, आपने सिग्नल नहीं देखा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तेरी गलती है। मैं तो सिग्नल देखकर ही चल रहा था, आपने सिग्नल तोड़ा। और तभी वहां हवालदार पांडू आ टपका। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना साहब, इन साहब ने सिग्नल तोड़ा और मेरी गाड़ी ठोक दी। देखिए मेरा कितना नुकसान हुआ है। पांडू हवालदार ने गाड़ी वाले की ओर देखा। साहब एक मिनट इधर आइए ना। गाड़ी वाला हवालदार को कोने में ले गया। साहब मामला रफा दफा कर दीजिए। गाड़ी वाले ने पांडू की जेब में एक 500 का नोट डाल दिया। ठीक है साहब। देखो भाई टमाटर वाले, मुझको तो तेरी ही गलती लग रही है, और अभी ट्रैफिक जाम भी कर दिया तूने। जल्दी साइड हटा। लगता है गाड़ी वाले से रिश्वत ली है इसने। भगवान करे उस गाड़ी वाले का और इस रिश्वतखोर हवालदार का बुरा हो, कीड़े लगे दोनों को। टमाटर वाला कोसते कोसते वहां से चला गया, लेकिन पांडू तो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पांडू रोज की तरह अपने सिग्नल पर खड़ा था, तभी एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। रुको रुको सर, आपने ऑरेंज होने के बाद गाड़ी चालू की, अब आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना है? 1000 रुपए। 1000? लेकिन दूसरे सिग्नल्स पे तो 500 रुपए है। क्या सर, कौन से जमाने में जी रहे आप, पता नहीं फाइन बढ़ गया है। ठीक है। उस आदमी ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले। वैसे हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। कैसा सेटलमेंट? बख्शीश का। आप मुझे 200 रुपए बख्शीश दे दो और आपके 800 रुपए बच जाएंगे। ऐसा क्या? सर सोच लीजिए, 200 परवड़ेगा या 1000? वो गाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरा। वो मुस्कुराते हुए पांडू के पास आया और उसने पांडू को जोर से तमाचा मारा। सेटलमेंट करेगा? मुझसे सेटलमेंट करेगा? सेटलमेंट करने के लिए तेरी ये नौकरी ही नहीं बचेगी, समझा? अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। मैं इस एरिया का नया कमिश्नर हूँ। सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर। वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया और लालची पांडू की तो भरे सिग्नल पर इज्जत निकल गई।